जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मीबाई के चरण में कटिकटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वरदान के चरण में कटिकटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के चरण में कटिकटि प्रणाम। आज भरोसा आचार्य देव के चरण में कटिकटि प्रणाम। उपस्थित यहाँ टाटा नगर की ऑनलाइन सत्संग में ऋतिक देवता मंडली, कर्मी मंडली, गुरु भ्राता मातृ मंडली, सभी को मेरा आंतरिक राम जय गुरु। इस ऑनलाइन सत्संग में आज जो उपस्थित है अनुपस्थित है सभी का पंच महाजीवन इष्टीभूत हो, सब सुंदर सुख शांति में जीवन यापन करे, इष्टों को पकड़कर ऐसे ही जीवन जीवंतर ही चले, यहाँ ही परम पिता निकट में मेरा प्रार्थना। आज इस सत्संग में बहुत सारे जो गुरु भाई ज्वाइन किए हैं ये मेरे को बहुत खुशी लग रहा है। जो ये ऑनलाइन सत्संग है झारखंड का शायद सबसे ज़्यादा इसी ऑनलाइन सत्संग में ज्वाइन है। जो भी आज है आज सत्संग दिए हुए हैं जिस कारणवशत उनका परिवार जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्र जीवन सुखमय हो, वो परम पिता के निकट में मैं प्रार्थना करता हूँ। आज मैं एक भक्त का जो परम भक्त कैसे होना चाहिए उनके बारे में मैं आपके सामने एक आलोचना करूंगा। एक दिन क्या हुआ, पावना हिमायतपुर में सीसी ठाकुर बैठे थे, उन्हीं का पास गकुल मंडल, प्रफुल्दा और खलील रहमान तीनों खड़ा होकर वो ठाकुर जी का बात सुन रहे हैं। बहुत सारे आदमी ठाकुर जी के पास आते हैं, हर दिन हर समस्या का समाधान ठाकुर जी करते हैं। सब आदमी का जो दीक्षा लिया हुआ है, जो दीक्षा नहीं लिया हुआ है, सब आते हैं ठाकुर जी के पास और उनका गुहारी करते हैं और ठाकुर जी उनका समाधान इतना सुंदर से कर देते हैं कि वो सब सबका समाधान बहुत सुंदर उनका हो जाता है। तो एक दिन प्रफुल्दा बोल रहे हैं खलील रहमान को, खलील तुम्हारा जीवन में तो बहुत दुख कष्ट है, तुम ठाकुर जी को निवेदन क्यों नहीं करते। तो खलील रहमान कहा, प्रफुल्दा मेरा पूर्व जन्म का कर्म फल इस जन्म में मेरा को भोगना ही है। मैं यदि श्री ठाकुर जी का नियम नीति विधि विधान ठीक से पालन कर रहा हूँ और मेरा ये करते 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 एक ना एक दिन जरूर ये ग्रह दुख विपदी खत्म हो जाएगा और मेरा जीवन में एक ना एक दिन सुख आएगा ही आएगा। तो ठाकुर तो सब अंतर्जामी है, परम पिता है, पुरुषोत्तम है, उनको तो सब पता है। और मैं यदि परम पिता परमेश्वर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को निवेदन करूंगा तो करने से क्या होगा, ठाकुर मेरा तो दुख हरण कर देंगे, ये मेरे को भी पता है, मगर वो कष्ट पाएंगे और मेरे लिए ठाकुर जी कष्ट उनको मिले मैं ये नहीं चाहता। इसीलिए मैं ठाकुर जी का विधि विधान में पालन कर रहा हूं। ये बात सुनकर प्रफुल्दा का मन में ऐसा एक जागृत हुआ कि ऐसा भी भक्त है जो कि कुछ आशा आकांक्षा नहीं है, साधना करना चाहता है। हम लोग का क्या होता है, कभी यदि मेरा पिताजी का शरीर खराब है तो ठाकुर जी के पास हम निवेदन करते हैं जी मेरा पिताजी का शरीर खराब है, आप यदि शरीर ठीक कर देंगे तो मैं एक सत्संग दूंगा। मेरा लड़का का यदि परीक्षा है तो यदि आज परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास करेगा तो सत्संग दूंगा, यदि वो लड़का आपका फर्स्ट क्लास पास नहीं करेगा फेल हो जाएगा तो आप सत्संग नहीं दीजिएगा। यदि आपका पिता यदि ठीक नहीं होंगे तो मर जाएंगे तो आप सत्संग नहीं दीजिएगा। ये है आशा आकांक्षा, उनको आशा आकांक्षा लोभ में पाया नहीं जाता, प्रेम में मिलते हैं वो। तो उनको प्रेम करना चाहिए, भालोबासा। तो उस दिन गकुल मंडल, खलील रहमान और प्रफुल्दा कुछ दिन पावना हिमायतपुर आश्रम में रहे और घर चले गए। गकुल मंडल और खलील रहमान का घर कुष्टिया है। कुछ दिन के बाद, दो महीना के बाद, गकुल मंडल बोले जे मैं परमपिता परमेश्वर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दर्शन करने जाना है, यदि यहाँ गांव में कोई कुछ देना चाहता है ठाकुर जी के लिए वो मेरे को दे दीजिए और मैं लाकर ठाकुर जी को दूंगा। तो गकुल मंडल
गांव में कलेक्शन के सब पन्नी परिवार जिसके पास जो था चावल सब गकुल मंडल कर ला कर दिए। गकुल मंडल एक बोरा में पैकिंग किए और खलील रहमान एक खुद हाथ में तैयार किया हुआ एक चादर दे रहे हैं गकुल मंडल को। तो गकुल मंडल देख रहे हैं खलील रहमान जो चादर दे रहे हैं वो चादर बहुत निम्न तर है। ये ठाकुर को दिया जाए ये चादर, ठाकुर क्या ग्रहण करेंगे? ठाकुर के सामने तो बहुत सारे आदमी, जितना भी आदमी है सब खड़े होते हैं और वहाँ जितना भी आदमी आते हैं सुंदर सुंदर चादर देते हैं। और हम यदि ये खलील रहमान का चादर ठाकुर को देंगे तो ठाकुर क्या ये ग्रहण करेंगे? ये अंदर मन में मन ही गकुल मंडल का जागृत हो रहा है। जब गकुल मंडल का यही चीज जागृत हो रहा है तो ठीक है, खलील रहमान दिया हुआ है तो हम लेकर जाएंगे। वो गए चादर लेकर पावना हिमायतपुर जो आए थे, आने के बाद वो जो ठाकुर के सामने इतना सारा आदमी को देख रहे हैं देने का उनका इच्छा नहीं हुआ। वो क्या किए, सब जो सब्जी पनी परिवार जो था आंधा बाजार में देकर आए और आकर ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी को जब प्रणाम किए ठाकुर जी बोले गकुल मंडल को, गकुल कितने कोबे आसले रही? बोले ठाकुर कुछ देर बाद हम आए और आपको प्रणाम किए और ठीक है तुम जाओ आंधा बाजार प्रसाद सेवन करो और करने के बाद मेरे पास आना, आकर यहाँ पर बैठना बैठना और आपके साथ मेरा बहुत आड़ाप आलोचना करना है। बहुत दिन के बाद तुम आए हो और तुम्हारा साथ बहुत बातें करना है। तो गकुल मंडल प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद उठ कर चले गए आंधा बाजार खाने के लिए। जब अरे गकुल गकुल आसो तो मैंने पुकारे पास में, जब पास में पुकारे तो गकुल मंडल रिटर्न आ गए। आने के बाद ठाकुर के सामने बैठ गए। बैठने के बाद बोले ठाकुर जी बोले जे कुष्टिया में सब मंगल कुशल में है। तो गकुल मंडल बोल रहे हैं ठाकुर जी आपकी दया में ना सब कुशल है, सब शांति में है और किसी का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ठाकुर बोले ठीक है तुम जाओ और आंधा बाजार में खाना खाने के बाद मेरे पास आ जाना। फिर उठकर गकुल मंडल चले। जब कुछ दूर जाने के बाद फिर पुकार रहे हैं ठाकुर जय गकुल गकुल सुनो सुनो सुनो। गकुल मंडल का शरीर में एक सिहरण सृष्टि हो गया। वो सोचने लगे ठाकुर मेरे दो बार बुलाए, कुछ तो कारण होगा, ठाकुर तो अंतर्जामी है, शायद मेरा जो चादर अंदर में है ठाकुर को पता चल गया। तभी कुछ नहीं बोले आकर ठाकुर जी का पास बैठ गए। बैठने के बाद प्रणाम किए तो ठाकुर बोल रहे हैं अरे गकुल अरे कुष्टिया का खबर क्या है बोलो। ठाकुर जी कुष्टिया का तो खबर आपको बोले सब मंगल में ही है। ठीक है तुम जाओ आंधा बाजार खाना खाने के बाद मेरे पास आना बैठ जाना। फिर उठकर गकुल मंडल चले। कुछ दूर जाने के बाद फिर पुकारे ठाकुर जी अरे गकुल सुनो। गकुल मंडल को उससे पता चल गया ठाकुर तो अंतर्जामी है, उनको तो पता चल गया यदि हम अभी चादर नहीं देंगे तो सबका सामने मैं अपमान हो सकता हूं। तो इसीलिए क्या किया ठाकुर जी के पास चले गए। जाने के बाद वो रोने लगे जे ठाकुर मेरे को क्षमा कर दीजिए। ठाकुर जी बोले क्या हुआ तुमको क्यों क्षमा करेंगे? नहीं ठाकुर मेरे को क्षमा कर दीजिए पहले। कहे क्या हुआ तो बोलो। ठाकुर खलील रहमान एक चादर दिया था और हम जब यहाँ आए आने के बाद देखे इतना सुंदर सुंदर चादर यहाँ रखा हुआ था और मेरे को देने का मन नहीं किया क्योंकि ये चादर बहुत निम्न तर है। ठाकुर सीधा खड़ा हो गए। खड़ा होने के बाद गकुल मंडल को बोले गकुल खलील मेरे लिए चादर एक ठो दिया था और तुम ये चादर लेकर खुद पहनोगे, घर लेने ले जाने के लिए तुम ये रखे हो पास में। गकुल मंडल रोते रोते ही वो चादर निकल कर ठाकुर को दे दिया। जब ठाकुर को दे दिया इतना सारे भक्त थे और इतना सब भक्त सब देख रहे हैं, देखते देखते देख रहे हैं और इधर गकुल मंडल जमीन में गिर कर वो रोने लगता है। जब रोते 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 ये चादर ठो जब ठाकुर को पकड़ा गया, ठाकुर पूरा ये चादर को पूरा खोल दे, खोलने के बाद शरीर में ढाक लिए। ढकने के बाद बोल रहे हैं ठाकुर जी इतना सुंदर चादर, इतना मुलायम, इतना आनंद लगता है, ये वाला चादर तुम घर ले जाना चाहते हो? गकुल मंडल और रोने लगा और रोने लगा। रोते रोते बोला ठाकुर जी मेरे को क्षमा कर दीजिए, ठाकुर जी मेरे को क्षमा कर दीजिए। और भक्तगण देख रहे हैं सर इतना सुंदर सुंदर चादर रहते हुए ठाकुर ये निम्नतर चादर क्यों ये कर रहे हैं, मैंने शरीर में दे दिए हैं। एक कहने का मेरा मतलब है भक्त और भगवान प्रेम प्रीति भालोबासा जिसका पास है, जो ठाकुर को जो
प्यार करते हैं जो आदमी, जो भी कोई जो भक्त है, वो यदि ठाकुर को निष्ठापर भाव से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, तो ठाकुर जी उनका निवेदन जरूर सुनेंगे। जो भी आप दीजिए, कितना उदाहरण है, कितना उदाहरण है, जिसका पास इष्टभूति नहीं है उसको जो पाउंस जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, वो भी देने के लिए ठाकुर बोले हैं। वो चाहते हैं सबके पास से प्यार, प्रेम, भालोबासा। तो कुछ दिन के बाद वो देखा गया, खलील रहमान का दुख चला गया। वो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नौकरी उनको मिला और जीवन भर ठाकुर जी का सेवा में वो नियत रहे। ऐसे प्रेम करना चाहिए। कुछ आशा आकांक्षा ना रहते हुए यदि हम ठाकुर जी को प्रेम करेंगे, इस जन्म का तो दुख जाएगा, इस जन्म का तो ग्रह विपत्ति चला जाएगा, अगले जन्म में हम उन्हीं का ही सानिध्य लाभ करेंगे और ऐसा एक पवित्र मातृगर्भ में आएंगे जो कि जीवन जीवन सारे जितना बार आएंगे इस धरापृथ्वी में, तब ही ठाकुर का हम लोग का सानिध्य लाभ हो जाएगा। और हम लोग का अंदर क्या रहता है? अहंकार रहता है। अहंकार क्या? जे हम करते हैं सब कुछ, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गाड़ी हम जो किए ना हम किए हैं, और आज जो मंदिर में भी यदि हम कोई कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, अरे मैं ही काम कर रहा हूं और कोई नहीं आ रहा है, ये मनभाव हम लोग का अंदर में घुस जाता है। जो साधना करता है उनका मंदिर में नेगेटिव का चांस ही नहीं है, सब पॉजिटिव बात बोलता है। ठीक है, कोई नहीं आ रहा है, हम यदि करेंगे, हम मेरा देखा देखी और सारे बहुत आदमी आएंगे धीरे 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 धीरे। मेरा चरित्र यदि ठीक होगा, मेरा परिवार भी ठीक होगा, मेरा पोड़ा पड़ोसी भी ठीक होगा, हम सब को लेकर हम चल सकेंगे। और यदि हम ही नेगेटिव बात बोलेंगे तो मेरा साथ जो जो दोस्ती बनाएगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी जब युद्ध खत्म हो गया, रामायण का युद्ध, रावण का मारकर जब सीता मार राम हनुमान रिटर्न आ रहे थे, सात समुंदर पार होकर आना पड़ेगा, इसीलिए विमान में सब बैठे थे, उसी समय क्या हुआ, हनुमान का मन में एक वैसे एक अहंकार आ गया था। अहंकार क्या आया था, जे मैं यदि सीता माँ को नहीं ढूंढता तो राम तो कदापि नहीं ढूंढ सकते। और एक बात उनका अंदर में क्या हुआ, मैं गंधमार्दन पर्वत को लाकर राम के सामने रख दिया और लक्ष्मण का जो सर्पघात में मृत्यु होता उसी पहाड़ के अंदर जो जड़ी बूटी था वो देकर लक्ष्मण को जीवित किया, यदि मैं नहीं लाता लक्ष्मण उसी दिन मर जाता, और मैं यदि लंका को आग नहीं लगाता तो मेरा ताकत मेरा शक्ति किसी को भी मालूम नहीं होता। ये अहंकार हनुमान के अंदर थोड़ा सा घुस गया। सब कुछ मैं किया, उसके बाद राम ने किया, राम को जानते हैं ये भगवान है, तब भी थोड़ा सा घुस गया। तो राम को तो प्रभु है, अंतर्जामी है, वो क्या क्या अंगूठी में एक मुदी था, उसी को समुद्र के अंदर गिरा दिए। जब समुद्र के अंदर गिरा दिए वो मुदी ठो, तो राम बोले स्वयं प्रभु पुरुषोत्तम, वो बोले हनुमान देखो तो मेरा मुदी और समुद्र के अंदर गिर गया और तुम थोड़ा ला कर मेरे को दे दो। तो हनुमान ने क्या किया, हनुमान ने वो जाप मारकर समुंदर के अंदर घुस गए। घुसने के बाद मुदी इतना स्पीड में अंदर जा रहा था कि हनुमान वो पकड़ नहीं पा रहे थे, ऐसे धीरे ऐसे अंदर अंदर जितना जाता था पाताल के अंदर घुस गया वो मुदी। जब मुदी पाताल के अंदर घुस गया, हनुमान भी घुस गए पाताल के अंदर, एक जगह में पाताल के अंदर एक जगह में गिर गया मुदी। उसके बाद हनुमान पहुंच गए, पहुंचने के बाद देखें जी वहां पर सेम टाइप का बहुत सारे मुदी वहां गिरा हुआ था, अंगूठी वहां गिरा हुआ था। जब इतना सारे अंगूठी गिरा हुआ था तो हनुमान का दिमाग में सोचा जी रामचंद्र का जो प्रभु का मुदी कौन सा है, सेम टाइप का तो सब मुदी है। तो चारों तरफ देखे, एक बूढ़ी आदमी वहां बैठा हुआ था। जो बूढ़ी आदमी एक बैठा हुआ था उनको पूछे जे अभी एक मुदी यहां गिरा, वो प्रभु राम जी का है, आप बता सकते हैं कौन सा मुदी है? वो बूढ़ी बोले जुग जुग से तो रामचंद्र यहां आते हैं और सब तो मोदी रामचंद्र का ही है, कोई सा कोई भी ले लो। तो हनुमान जी का अंदर में जो अहंकार था उनको पता चल गया जी ये रामचंद्र प्रभु का ही लीला है, वो मोदी ला नहीं सके। ऊपर आकर प्रभु रामचंद्र को क्षमा प्रार्थना किया, जे प्रभु मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरा अंदर जो थोड़ा सा अहंकार आ गया था, जे मैं यदि नहीं होता
तो ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। यही जो मेरा अहंकार अंदर में घुस गया था, मेरे को क्षमा कर दिया। बहुत रोने लगे, क्षमा प्रार्थना किए रामचंद्र जी को, स्वयं प्रभु को। इतना हम लोग को सोचना चाहिए, ये दुनिया में, इस संसार में जो भी हो रहा है उन्हीं का द्वारा हो रहा है। एक पत्ता भी यदि हिल रहा है ना, उन्हीं का द्वारा ही पत्ता हिल रहा है। और हम सोच रहे हैं जे हम सब कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग का कर्तव्य एक ही है। हम कर्तव्य क्या है हम लोग जानते नहीं है। एक कहानी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं हम लोग का कर्तव्य क्या है। एक दिन क्या हुआ, एक वृद्ध बाप, उनका शरीर बहुत खराब हुआ था, पिता का, एक वृद्ध पिता का शरीर बहुत खराब हुआ था। वो पिता का जो शरीर खराब हुआ था, उसका एक ही बेटा था, बेटा बहुत पितृभक्त था। तो वो पिता बोले जी मेरा तो दवा खत्म हो गया है, तुम जाओ मेरा ये दवा, मेरा औषध लेकर आओ। वो क्या किया, वो बेटा वो दवा लाने के लिए वो गया दवाखाना। तो जब दवा लाने के लिए गया, जो औषध लाने के लिए गया, लाने के रास्ता में देखा एक जगह में एक डांस का प्रोग्राम हो रहा है। वहां कलाकार, जो सिनेमा का कलाकार आकर वहां भाग लिए हैं, तो उनका मन में एक जागृत हुआ। तो मैं तो अभी तो जा रहा हूं औषध लाने के लिए, थोड़ा सा यहां देख कर जाऊं तो मेरा मन भी अच्छा लगेगा। तो उनका मन क्या हुआ, दवाखाना जाने के बजाय वो जहां प्रोग्राम हो रहा था उसी का अंदर उनका मन चला गया। वो जब निकट आए, जो हां प्रोग्राम हो रहा था, वहां देखे जो 100 रुपया का टिकट है, और टिकट काटकर अंदर घुस गए। घुसने के बाद देखते 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 रात हो गया। जब रात हो गया तो पापा उसको तो 100 रुपया दिए थे औषध लाने के लिए, और औषध का पैसा वो नाच गाना में खत्म कर दिया। जब निकले तो रात हो गया। रात जब हो गया तो देखे तो दवाखाना बंद है। तो वो रिटर्न आ गया घर। जब घर आने के बाद उनका पापा बोल रहे हैं अब मेरा तो औषध का खाने का टाइम हो गया, दवा खाने का टाइम हो गया, तो मेरे को वो दवा दे दो। तो वो क्या किया, वो लड़का बोला कि मैं तो औषध के जो 100 रुपया आप दिए थे, तो वो मैं क्या किया, जो रास्ता में जा रहा था तो एक जगह में नाच गीत हो रहा था तो घुस गया। घुसने के बाद रात हो गया तो आने के वक्त दवाखाना बंद हो गया। उसका पापा बहुत दुखित हो गए। दुखित होने के बाद बोले कि बेटा तू तो मेरा बहुत आज्ञाकारी पुत्र है, एक क्या किया। मेरा एक कहने का मतलब है, परमपिता पुरुषोत्तम, मेरा पिता तो एक है जो जन्म किया हुआ है, मगर एक दुनिया का, विश्व ब्रह्मांड का पिता कौन है जो हमको भेजे हैं इस धरती को, उस 100 साल जीने का हम लोग को आयुष दिए हुए हैं, देकर भेजे हैं। क्यों कि हम उनका कर्म करेंगे। प्रभु ने हमको इस धराबक्ष में क्यों भेजे हैं, उनका कर्म करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, पैदा होने के बाद जब हम लोग को थोड़ा होश आवास आ जाता है तो हम परिवार में घुल मिल जाते हैं। उसके बाद पढ़ाई होता है, पढ़ाई होने के बाद हम लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद क्या होता है, शादी करते हैं, शादी करने के बाद घर द्वार कोठा बाड़ी बिल्डिंग कार गाड़ी मोटर ये सब में हम घुल मिल जाते हैं। हम लोग का उनका प्रभु का बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता है। एक पल, एक घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट भी टाइम नहीं होता है। हम लोग इस माया के संसार में घुस गए हैं। जैसे एक पिता 100 रुपया देकर भेजा था, रास्ता में देखा एक नाच गीत हो रहा था, वही नाच गीत क्या है, वो माया है, वो माया के अंदर घुस गया, नाच गीत देखा मगर पिता के लिए औषध नहीं लाया। इसी तरह हम लोग इस माया में घुस गए हैं। हम लोग, हमको जो पेट में, माँ के पेट में हम थे, उस प्रतिज्ञा किए थे भगवान के पास जे प्रभु हमको पैदा कर दीजिए, मैं आपका ही काम करूंगा, मगर पैदा होने के बाद हम क्या क्या इस संसार की माया में घुस गया। प्रभु को हम भूल गया, मेरा मुख्य काम क्या है वो हम भूल चुके हैं ऑलरेडी। और हम माया के, हम सोच रहे हैं जे परिवार मेरा है, एक गाड़ी मेरा है, एक घर मेरा है, मरने के बाद ये सब लेकर जाएंगे स्वर्ग, यही बात है ना। इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग को मुक्ति का रास्ता है वो काम हम नहीं कर रहे हैं। जो हमको ध्वंस अवशेष करेगा, मेरा मेरा परिवार को ध्वंस करेगा, वही काम कर रहे हैं। कैसे परिवार होना चाहिए वो हम नहीं सोचते हैं। एक परिवार के बारे में हम बोलेंगे कैसा परिवार होना चाहिए। रवि महन विश्वास,
वो ठाकुर जी का बहुत परम भक्त थे। पहले तो उनका इंग्लिश का नॉलेज नहीं था, वो पीएचडी के हैं ठाकुर के निर्देश अनुसार। तो वो रेवती मोहन विश्वास के बारे में एक बात बोल रहे हैं, जो पहले वो आए जो आश्रम उसी समय का बात है, उनका फॉरेन जाने का प्रोग्राम उस समय हुआ नहीं था, उसी से पहले वो ठाकुर के पास सेवा शुश्रूषा कर रहे थे। उनका काम क्या था, जो कि जो आड़ा पलचना होता है वो लिख कर रखते थे रेवती मोहन विश्वास सब। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी के पास बैठे हुए थे रेवती मोहन विश्वास। बैठने के बाद रेवती मोहन विश्वास ने उठकर प्रणाम किए, प्रणाम करने के उठकर आ रहे थे। उसी समय ठाकुर बोले, जे रेवती तुम कहाँ जा रहे हो? तो रेवती मोहन विश्वास ठाकुर जी को प्रणाम कर बोले, जे ठाकुर जी सर आंदा बाजार के लिए मेरे को सब्जी लाना है और मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो जब मार्केट जा रहा हूं तो एक ठाकुर बोले, अच्छा से यदि साग मिलेगा ना तुम ले आना। तो रेवती मोहन विश्वास गए मार्केट। मार्केट में उनका एक दोस्त का साथ मुलाकात हो गया, जो दोस्त आईएएस ऑफिसर था। तो जब मुलाकात हो गया तो उनको जान पहचान तो पहले से ही था, और रेवती मोहन विश्वास उसको प्रणाम भी किए, क्योंकि वो तो एक आईएएस ऑफिसर है उसका दोस्त। तो उसका दोस्त बोले, रेवती तुम तो मेरे से भी अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, और तुम ये आश्रम में रहकर और डालमा भात खाकर क्या मिल रहा है? तुम यदि अभी भी चाहोगे तो तुम एक अच्छा सा नौकरी मिल सकता है, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा हो सकता है, तुम्हें आश्रम में रहकर क्या मिल रहा है? रेवती मोहन विश्वास कुछ नहीं कहा। उसका दोस्त बोला, मैं एक देखो एक गाड़ी लिया है, ये 10 लाख का गाड़ी है, चलो मैं तुमको छोड़ दूंगा तुम्हारा आश्रम। रेवती मोहन विश्वास वही गाड़ी में बैठे। बैठने के बाद पहले जो आईएएस ऑफिसर जो थे, जो उनका दोस्त थे, उन्हीं का घर पड़ता है, तो बोले कि मैं ये सब्जी रख कर आ रहा हूँ और तुम भी आओ मेरा घर देखो, कितना बड़ा घर हमने बनाया है, कैसा सब अंदर में कितना डेकोरेट किया है देखो आप। तो उनका घर देखने के लिए रेवती मोहन विश्वास चले गए। जब वहाँ बैठे उनका घर के अंदर, उनका बीबी जो आईएएस ऑफिसर का बीबी, वो एक पेंटिंग होकर निकल रहे थे। तो निकलने के टाइम में बोले, हाय हेलो बोलकर बोले, मेरा आज क्लब में मीटिंग है, तुम्हें खुद खा लेना। रेवती मोहन विश्वास वो सब देख रहे हैं। उसके बाद उनका बेटा और बेटी लिख ले, पापा हम लोग का खेल है आज, क्रिकेट खेले और खेलने के बाद हम लोग सिनेमा देखेंगे, रात में आएंगे, आप खुद खाना खा लीजिएगा। वो रेवती मोहन विश्वास सब देख रहे हैं। उनका दोस्त और रेवती मोहन विश्वास आए रेवती मोहन विश्वास के घर, छोड़ने आए उनका दोस्त आईएएस ऑफिसर थे। तो जब रेवती मोहन का जो एक छोटा सा घर मिला था वो आश्रम के अंदर, तो जो घुसे उनका घर में, तो बोले रेवती मोहन विश्वास उनका परिवार वर्ग में उनका स्त्री और पुत्र को, जे मेरा दोस्त एक आईएएस ऑफिसर है वो आए हुए हैं और उनको अंदर लेकर आओ। तो रेवती मोहन विश्वास का स्त्री और बेटा, वो आईएएस ऑफिसर जो उनका दोस्त था, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आने के लिए बोला घर में, घर में बैठने के लिए बोला। बैठने के लिए तो उनका पास इतना आसवा पत्र नहीं था, तो नीचे बैठने के लिए एक बिछा दिए एक सपोर्ट हो। तो बैठने के लिए बोले तो वो आईएएस ऑफिसर है बैठने के नाराज हो रहे थे। तो वो काकुती मिनती होकर बोले उनका, वे जी इतना दिन के बाद हम लोग का घर आए हैं, आप मेरा स्वामी का दस्त हैं, माने संग है, और आप यदि यहाँ नहीं बैठेंगे हम लोग का बहुत दुख कष्ट होगा, आप बैठकर यहाँ थोड़ा पानी पीकर तो कम से कम जाइए। तो उनका जो ये बोलने का भाव से उनका दोस्त जो ऑफिसर था वो बैठने के लिए गए और बैठ भी गए। बैठने के बाद बोले, इतना दिन के बाद आप आए हैं हम लोग का घर, थोड़ा सा कुछ खाना खाकर आप मेरे हम लोग का घर में जाइएगा। रेवती मोहन विश्वास और उनका दोस्त आड़ा पाला चना के अंदर अंदर ही खाना बन गया। खाना बनने के बाद उनका दोस्त को खाना परसा, परसने के बाद उन्हीं का सब उनका रेवती मोहन का विश्वास का बीबी, रेवती मोहन विश्वास, उनका दोस्त और उनका बेटा चारों बैठ कर खाना खाए। खाना खाने के बाद रेवती मोहन विश्वास का उनका दोस्त बोल रहा है, रोते रोते बोल रहे हैं, उनका आईएएस ऑफिसर थे वो रोते रोते बोल रहे हैं कि रेवती मेरा बीबी ना आज तक मेरे को खुद एक पानी गिलास, हाथों में पानी गिलास भी नहीं दिया। मेरा बेटा बेटी बीबी का बातों में ही चलते हैं, वो लोग अभी तक मेरे को प्रणाम नहीं किया, और मेरा बीबी तो मेरे को सेवा ही नहीं करता है। मेरा जो काम होता है घर में, हम चाकर रखे हैं, उन्हीं का द्वारा सब काम हो रहा है,
पानी गिलास भी यदि जरूरत पड़ेगा तो नौकर का द्वारा हम लोग को मिल जाता है। और तुम्हारा घर हम देखकर एक बैकुंठ जैसा लग रहा है, तुम्हारा बेबी तुम्हारा बच्चा इतना श्रद्धालु है, सब मिल बैठ कर खाना खा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आड़ाप आलोचना कर रहे हैं। आज मेरा परिवार में आज तक मेरा साथ ये नहीं हुआ। तुम बहुत भाग्यवान हो, तुमको जो हम बोला कि तुम आश्रम में रहकर क्या मिला है, आज मैं देख रहा हूं। वो रोने लगे, बहुत रोने लगे, रोने रोते रोते बोले, मैं आपका गुरु का दीक्षा लेना चाहता हूं। रवती मोहन विश्वास ठाकुर के पास ले गए, लेकिन दीक्षा हुआ, बहुत दिन के बाद थोड़ा बहुत उनका परिवर्तन हुआ। ऐसे परिवार होना चाहिए। हम इतना गर्वित हूं कि मैं ठाकुर का पकड़कर जो हम लोग का परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इतना भी भाग्यवान है। पूर्व जन्म का कर्म फल हम कुछ किए थे, इसीलिए तो इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला। तत्अधिक पुण्य किए थे तो सद्दीक्षा में दीक्षित हुए, तत्अधिक पुण्य किए थे जो कि उनका कर्म में व्रति हुए, और तत्अधिक पुण्य हम किए थे इसीलिए आचार्य देव का सानिध्य लाभ किए। तो हम लोग कितना पुण्य करने के बाद ही आचार्य देव का सानिध्य लाभ मिला, तो आप सुन लीजिए, मैंने कितना अच्छा, कितना अच्छा मैंने हम लोग का भाग्य है। इतना सारा आदमी है, कोई दिखा नहीं ले रहा, हम लोग क्यों दिखा ले रहे? कुछ पुण्य किए थे तो इसीलिए तो उनका सानिध्य लाभ मिला। वैसे एक ऐसे ही और एक भक्त का, शायद मेरा टाइम हो रहा है तो दादा मेरा टाइम हो गया क्या? जी, और एक बात बोलकर मेरा बात खत्म करूंगा। कृष्णचंद्र राय चौधरी, कृष्णचंद्र राय चौधरी एक बहुत धनी आदमी थे। ठाकुर जी का बात है, कृष्णचंद्र राय चौधरी बहुत धनी आदमी थे। तो वो सबका पास से सुने कि ठाकुर अंतर्जामी है, भगवान है, दर्शन करने के लिए पवना हिमायतपुर वो आना चाहते थे। तो उनका पापा और मम्मी बोले, तुम वो आश्रम मत जाना। क्यों? वहाँ जो अनुकूल चंद्र जी का जो माता है, उनका कोई एक विद्या है, मोहिनी विद्या है, जो जाता है वो आश्रम में रह जाता है, तुम वहां मत जाना। तो कृष्णचंद्र राय चौधरी बोले कि माँ, मैं तो जाऊंगा और चला आऊंगा, मेरे को कोई मह नहीं सकता है। नहीं, तुम नहीं, मत जाओ। नहीं नहीं माँ, हम लोग का गांव का तो बहुत आदमी जा चुके हैं, वहां जाकर रिटर्न भी आ चुके हैं, तुम मेरे ऊपर क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो? कहे नहीं, तुमको जाना नहीं है। वो नहीं गए। दो तीन महीना के बाद उनका अंदर में जागृत हुआ, नहीं मैं आश्रम जाऊंगा। उनको माँ को पापा को जीत किए, जीत करने के बाद वो आश्रम आए। आश्रम आने के बाद शाम को देखे ठाकुर को, प्रणाम किए, और ऐसे बैठे 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 रात हो गया। रात होने के बाद भजन कीर्तन के बाद वहीं सो गए। सोने के बाद सुबह हुआ, सुबह होने के बाद जैसे हम लोग का प्रेयर होता है, प्रेयर में वो भाग लिए। उसके बाद बहुत आदमी आते हैं, आड़ाप आलोचना करते हैं ठाकुर जी के पास, उनको बहुत आनंद लगा। इसे करते 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 वो रह गए। जब रह गए, उनका पापा मम्मी उनको टेलीग्राम भेजे आश्रम को। जो टेलीग्राम उनको मिलता था वो क्या करते हैं, किसी को नहीं बोलते थे। इसे कुछ दिन बीतने के बाद एक गुरु भाई के हाथ में एक चिट्ठी मिल गया, जे कृष्णचंद्र राय चौधरी का घर से आया हुआ है और उनका मम्मा पापी बहुत रोते हैं कि वो रिटर्न आ जाए। ये बात ठाकुर जी को बोला गया, जे ठाकुर जी को जब बोला गया जे कृष्णचंद्र राय चौधरी का घर से बहुत लेटर आ रहा है और कृष्णचंद्र राय चौधरी जाने का इच्छा नहीं है, और आप उसको बोलिएगा थोड़ा पापा मामी को देखकर रिटर्न आ जाएगा। तो वो क्या किए, ठाकुर जी कृष्णचंद्र राय चौधरी को बुलाए, समझाए जे तुम्हारा पापा मामी तुम्हारा जन्मदाता है, उनको प्यार करना तुम्हारा इच्छा है, उनका इच्छा को पूर्ण करना पुत्र का एक धर्म है, तुम जाओ घर और तुमको इच्छा लगेगा तो तुम रिटर्न आ जाना। कृष्णचंद्र राय चौधरी मना किया, नहीं हम नहीं जाएंगे घर, यही आपके पास ही रहेंगे। तो उसके बाद ठाकुर क्या किए जे उसको बहुत समझाए, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा साथ जाऊंगा और जाने के बाद, और तुम पापा मम्मी को देखकर फिर मेरे साथ चले आना। वो बोले नहीं ठाकुर जी, मैं घर नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। ठाकुर जब इतना बाध्य किया, लास्ट में क्या क्या ठीक है बोले, कृष्णचंद्र राय चौधरी बोले ठीक है मैं घर जाना चाहता हूँ, घर जाऊंगा अभी। उसको एक नाव में बैठा दिए, नाव में बैठा कर कृष्णचंद्र राय चौधरी को
पावना जो नदी का किनारे ठाकुर और कुछ भक्तगण खड़े होकर देख रहे हैं कृष्ण चौधरी राय चौधरी जा रहा कि नहीं। नाव में बैठाने के बाद कृष्ण चौधरी चौधरी जब बीच हुआ था जो पावना नदी का बीच में, वो जाम मार दिया। जाम मारने के बाद जो नाव में जितना सारे आदमी थे वो सोच रहे हैं, और नाव का जो मालिक है वो सोच रहे हैं कि अरे इसको कोई अंदर में पेल दिया क्या, ना ये सब पागल है क्या। सबका आदमी में कुछ ना कुछ आलोचना होने लगा, ये कैसे गिरा अंदर में, पानी के अंदर कैसे गिरा। और ठाकुर किनारे में खड़ा होकर देख रहे हैं, और भक्तगण बोल रहे हैं ठाकुर नाव तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है और हम आश्रम लौट जाएंगे। भक्तगण वही बोल रहे हैं, ठाकुर जी बोले नहीं यहाँ खड़ा होने से बहुत अच्छा लग रहा है, हम खड़ा हैं। ठाकुर तो अंतर्जामी है सब। कृष्ण चौधरी राय चौधरी क्या किया, जाम मार दिया। जाम मारने के बाद इतना गर्व है, और सब आदमी नाव का आदमी बोल रहे हैं ये तो मर गया, इतना गर्व में कौन बचता है क्या। तो कृष्ण चंद्र राय चौधरी क्या आंख बूझ कर नाम करने लगे। नाम करते 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 उनको कैसे लग रहा था, कोई मेरे को हाथ से पकड़ रहा है और पकड़ कर किनारे ले जा रहा है, इसे उनको अनुभव हो रहा है। और वो नाम करते करते किनारे आ गए। आने के बाद जब पैर लग गया जमीन में वो खड़े हो गए। जब खड़े होकर देख रहे हैं उनका शरीर में कुछ भी वस्त्र नहीं है। जब कुछ भी वस्त्र नहीं है उनका लज्जित अनुभव हुआ। अनुभव होने के बाद वो बोले कि हम किनारे कैसे जाएंगे। तो ठाकुर का तो नाम ले रहे हैं आंख बुझ कर, लेते 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 देख रहे हैं एक कपड़ा उनका हाथ में लग गया। कपड़ा लगा उनको पहने, पहनने के बाद वो धीरे धीरे किनारे आकर ठाकुर जी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी खड़े हैं वही किनारे। ठाकुर जी को रो रो कर बोल रहे मैं नहीं जाऊंगा घर। मैंने ऐसे भी प्रेम, पागल प्रेम थे बहुत आदमी, बहुत सारे आदमी पागल प्रेम थे। तो जो भी है, एक और एक बात है दादाजी, मेरे को कर्मी बोले, मैं कोई कर्मी नहीं हूं। मेरा हर दिन कहीं ना कहीं लिंग में जाजन रहता है, आज भी सामने है, काल भी सामने है, कहीं ना कहीं शायद मेरे को पूछा नहीं गया कि मैं एक कर्मी हूं कि नहीं। तो मेरा पापा कर्मी है, ऋतिक है, मेरा चाचा, दो चाचा ऋतिक है, मेरा छोटा भाई अधर्ज है, मैं देवघर में शादी किया हूं, मेरा ससुर जो गौरांग पति है वो मेरा ससुर जी है, मेरा चाचा ससुर शशिभूषण पति वो देवघर कंप्यूटर सेक्शन में रहते हैं, और शायद कहीं मेरे को कोई देखा होगा कहीं जाजन करते हुए, शायद मेरे इसी लिंक में जुड़े वही अजीत दा ने, तो शायद मेरे अजीत दा को पता नहीं है। तो इसीलिए मेरा बहुत सारे ऐसे भूल हुआ है, मेरा बहुत जगह में इसे एसपीआर लिखा हुआ है, मेरे बहुत सारे लिंक में मेरा हमने भी देखा है। हम वही चीज़ बोलना चाहते हैं, कभी भी मेरा साइड में कोई कर्मी का मोहर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए वो मत लिखिएगा। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यदि मेरा बोलने में कहीं भूल है तो मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। और मेरा हिंदी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तब भी मैं कोशिश किया आज ठाकुर जी का बात आपके सामने रखने के लिए। तो यहाँ जितना भी उपस्थित है सबका पंच महाजीवन इष्टीभूत हो, सब शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करें, और जो अनुपस्थित नहीं है उनका भी पंच महाजीवन इष्टीभूत हो। और जो ऑर्गेनाइजर है इस लीग को जो बनाते हैं, हर दिन कौन भजन गाएगा, कौन कीर्तन गाएगा और कौन जाजन करेगा, इतना कष्ट कर रहे हैं, वो उनका पंच महाजीवन इष्टीभूत हो और शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करेंगे, वही मेरा प्रभु का निकट में प्रार्थना है। जय गुरु दादा, जय गुरु।